आदाब अर्ज़ है। आज हम सब यहाँ ईद का जश्न मनाने इकट्ठा हुए हैं। यूं तो ईद साल में दो बार आती है, ईद उल जुहा और ईद उल फित्र, मगर रमजान के पूरे एक महीने के रोजों के बाद आई हुई इस ईद की शान ही निराली है। बड़ी बेसब्री से सभी को और खासतौर से रोजा रखने वालों को इस दिन का इंतजार होता है। खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। रंग बिरंगे कपड़े और गोटा लगी टोपियां पहने बच्चे को पड़े लोग पहले तो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, उसके बाद मेला देखने, खरीदारी करने, दावतों और क्या क्या जश्न नहीं मनाते। घर घर में पकवान बनते हैं, दावतें होती हैं, मगर खास मिठाई आज के दिन सेवइयों की ही होती है। बेहद नफासत से बनी खोया, मेवा और देसी घी में सरा भोर इन बारीक सेवइयों का स्वाद ही निराला होता है। ईद का जिक्र आते ही लखनऊ की याद तरोताजा हो जाती है। ईद पर सजे हुए बाजारों और मेलों की रौनक बेमिसाल हुआ करती थी। क्यों ना हो भाई, वो नवाबों का शहर जहाँ शराब व शबाब की महफिलों से अवध की शामें रंगीन हुआ करती थी, जहाँ का मुगली खाना बेमिसाल गिलौरी कबाब, टुंडा कबाब, बिरयानी, कुल्फी और चाट का नाम लेते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाया करता था, जहाँ के खेल शतरंज बाजी, कनकौड़ाबाजी यानी पतंगबाजी वगैरह दूर दूर तक मशहूर थे, जहाँ की दस्तकारी, चिकन का काम, शायरी और तहजीब बेजोड़ थी, ऐसे ऐतिहासिक शहर में ईद पर क्या रौनक रहती होगी, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा बचपन इसी शहर में बीता है, अतः आपको जो कुछ कह रही हूँ आंखों देखा हाल ही बता रही हूँ। अपनी जन्मभूमि सभी को प्यारी होती है, पर लखनऊ वाले लखनऊ के दीवाने होते हैं। इसका पता आप लोगों को शायद ना हो, लेकिन मुझे तो बचपन से और आज तक होता आ रहा है, क्योंकि लखनऊ की बातें करते ही लोगों की जैसे कि बातें करने की इच्छा ही समाप्त नहीं होती है। जरा उनकी दीवानगी सुनिए। वो लखनऊ की शाम, वो दोस्तों की बातें तमाम, वो लखनऊआ आम, वो बिरयानी के ठेलों पर छुप छुप के पिए जाने वाले जाम, वो निशातगंज में राम जी की दुकान का पान, वो रामासरे की मिठाई गिलौरी रबड़ी और मलाई, वो बसंत वाली गली का समोसा कहीं ना मिला वैसा, अमीनाबाद की रौनक और चौक का माहौल, लखनऊ का वो नवाबी अंदाज, स्टाइल में हम सबके बाप मगर तहजीब में पहले आप, वो इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बारह दरी, वो हजरतगंज का नजारा, ऐसा है प्यारा लखनऊ हमारा। जिस लखनऊ में उत्तर प्रदेश ने उर्दू जबान को जनाब गालिब, ताक देहलवी, अकबर इलाहाबादी, मजाज लखनवी, जिगर मुरादाबादी जैसे बहुत से शायर दिए हैं, ईद पर उस शहर को याद करके हम सिर्फ मट्टी का कर्ज अदा कर रहे हैं। अब हम आपको श्रीमती शकुंतला बहादुर का ईद पर भेजा हुआ पैगाम सुनाना चाहते हैं। किसी मजबूरी की वजह से वो आज यहाँ खुद मौजूद नहीं है, जिसका उनको बहुत रंज है, उनका खत सुनिए। आप सभी को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं लखनऊ शहर से हूँ, जिसे हम नवाबों का शहर, नफासत और नजाकत के शहर के नाम से जानते हैं। वहाँ की शराफत मशहूर है। हाँ, तो जेबा जी और तलत हसन जी भी तो लखनऊ से ही हैं। वहाँ की ईद का क्या कहना? किसी ने ठीक ही कहा है, कहें क्या ये लखनऊ है? यहाँ पर रोशनी इंसानियत की है, नहीं है भेद का कोई संदेशा, सभी में भाईचारा है, नहीं है द्वेष का कोई अंदेशा। यहाँ के लोग हंसकर दीप के उत्सव मनाते हैं, सभी हैं गले मिलते, ईद पर खुशियां लुटाते हैं। तो भाई, ईद पर हम लखनऊ पहुंच गए हैं। रोजे के दिनों में एक हिंदू मास्टर तड़के सवेरे पुराने लखनऊ की गलियों में घूम घूम कर सहरी के लिए मुस्लिम भाइयों को जगाता है, दरवाजों की कुंडी खटखटाता है, दरवाजों पर थाप देता है, उठ जाओ खाने का वक्त हो गया है। ईद में सब तरफ खुशियां मुस्कुराती हैं, बाजार सज जाते हैं, दुकानों और ठेलों पर सिवैयों के ढेर लग जाते हैं, रंग बिरंगे नए कपड़े पहनकर अपने अब्बा की उंगली पकड़े बच्चे खुश होकर खरीदारी करवाते हैं, हिंदू भाई भी सिवैयां खाने अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाते हैं, और होली में मुस्लिम भाई गुजिया खाने हिंदू दोस्तों के घर जाते हैं। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं हुए। हाँ, शिया सुनने के झगड़े जरूर सुनने में आए हैं। कुछ लाइनें बच्चों और बड़ों सभी के लिए। आओ मिलकर ईद मनाएं, खुशी मनाएं, नाचें गाएं, बैर भाव को दूर भगाएं, सबको अपने गले लगाएं, सज धज कर महफिल को सजाएं, गीत गजल को सुने सुनाएं,
घर में हम पकवान बनाए और सेवैया खाए खिलाए। ईद मुबारक हो आपकी सबकी जिंदगी में, ईद बार बार आए और खुशियां बरसाए। ईद के इस मुबारक मौके पर वो एक और मुबारक मौके की खुशी आप सबको जो ऑलरेडी जेवा जी की बेटी ने दे दी है वो देना चाहती थी कि आज हमारी जेवा जी की सालगिरह है। ईद की धूमधाम के साथ जोरों से मनी ये सालगिरह, उन्हें हमेशा याद रहेगी। जोरदार तालियों से आप सब उस खुशी का एहसास उनको कराएं। जेवा जी की सालगिरह पर भेजा हुआ शकुंतला जी का खास पैगाम आज आपको निर्मला जी पढ़कर सुनाएंगी।